हाय माय बेब्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग विंटर वेयर हॉल जो मैंने अमेज़न से खरीदा है। दिल्ली में था, सर्दी इतनी ज्यादा है, ठंड इतनी ज्यादा है। मैं तो गुड़गांव में रहती हूँ, बट दिल्ली गुड़गांव इज ऑलमोस्ट सेम, एंड यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि ऐसे लगता है कि हड्डियां भी जम जाएंगी, मैं किसी दिन बर्फ की सिल्ली में कन्वर्ट हो जाऊंगी। इतनी 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 ज्यादा ठंड है। आई नो मैं अभी ऐसे खड़ी हूँ क्योंकि मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ मेरे जैकेट जो मैंने परचेज की अमेज़न से। मैंने ये ध्यान में रखते हुए परचेज किया है कि बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, 1000 रुपए के अंदर हो। ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपए का एक जैकेट है। तो मेरे पास यहाँ पे जैकेट्स है, मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सेक्सी लुकिंग बूट्स भी है, देन आई हैव सम स्लिपर्स एंड सम अदर थिंग्स दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस। सो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर ठंड में आप भी जैकेट्स ढूंढ रहे हो अच्छी क्वालिटी के अंडर अ बजट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो है मैं आपको बोनस पीस दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आपको बहुत मजा आएगा। कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो होगी एंड टू एंड। तो विदाउट एनी फर्दर एडू चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो ऑफिशियली दिस इज ऑलमोस्ट आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी हमारे 100 के होने से पहले, या फिर 100 के हो चुके होंगे, आई डोंट नो। बट गाइज आई कांट बिलीव 5.5 साल खून पसीने की मेहनत के बाद फाइनली वी आर ऑलमोस्ट 100K, और 100K बाई द टाइम वी रीच दिस वीडियो। एंड दिसंबर हैज बीन सो काइंड टू मी, क्या बोलूँ मैं। दिसंबर के स्टार्टिंग में हमने 71K हिट किया था, 6 साल लगे मुझे ऑलमोस्ट 71K तक आने में, एंड 71 से 100K का जर्नी जस्ट 2 हफ्ते में कवर हो गया। इट्स जस्ट अबाउट कि आप रुको नहीं, आप मेहनत करते रहो और टाइम आएगा। बट इसके बारे में हम ज़्यादा बातें, मैं सबको शेयर करूँगी, अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी, उसके लिए अलग वीडियोस होगी। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस जैकेट। सो मेरा बहुत एक फेवरेट ब्रांड है जो कि काफ़ी सालों से मैं पहन रही हूँ, आई थिंक 2016 से, वो है फोर्ट कॉलिंस। फोर्ट कॉलिंस के विंटर वेयर बहुत अच्छे होते हैं, जैकेट्स बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। मैंने 500 से स्टार्ट होते हुए देखे हैं लिटरली उनके जैकेट्स, उनके यू नो पुलओवर्स एंड स्टफ, बट मैंने पफी जैकेट लिया बिकॉज यहाँ बहुत ठंड है। द फर्स्ट वन इज दिस जैकेट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम फोर्ट कॉलिंस। नाउ इसी को कल मैं पहन के सरोजनी नगर भी गई थी, अगर आपने मेरी वो शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी। एंड ये इतनी बढ़िया जैकेट है, लाइक इसको पहन लो तो आपको बिल्कुल कोई और लेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही ठंड नहीं लगेगी। दिस इज द फर्स्ट जैकेट गाइज। एक तो इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम मॉवी मॉवी सा कलर है। अभी लैवेंडर बहुत सीजन में है ना, बहुत लोगों को लैवेंडर पसंद आ रहा है। एंड ये मुझे 1000 रुपीज की मिली थी। इतनी बढ़िया जैकेट, लाइक यू कैन सी इसका फैब्रिक कितना अच्छा है, इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। यहाँ पे निशान भी दिख रहे होंगे क्योंकि मैं इसको लिटरली पिछले 2 हफ्तों से रगड़ रही हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी जैकेट है, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो मैं पीछे जा रही हूँ तो ये यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक कवर हो जाएगी। एंड मैंने साइज ले रखा है XL या XXL, मतलब जैकेट से थोड़ा टाइट ही होता है, तो पहले मैंने शायद L मंगवाया था, ये XL है। तो काफ़ी अच्छी जैकेट है, इसमें जो है एक टोपी भी है, पीछे एक कैप भी है जो कि डिटैचेबल है, तो आप इसको डिटैच कर सकते हो कम्प्लीटली। एंड मैं इसको परचेज किया है अमेजोन से। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स चेक किए, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सस्ते डील में मुझे ये अमेजोन पे ही मिला। हाथों के यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अलग से मटेरियल है जो एकदम हक करता है टाइट, ताकि हवा ना घुसे। जिस बनाने के लिए जैकेट नहीं बनाया, बनाया इस ध्यान से है कि आपको ठंड ना लगे। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका मटेरियल, फॉर द प्राइस इट्स जस्टिफाइड। ऐसे जैकेट जनरली 1500-2000 रुपये के नीचे नहीं मिलते हैं, बट Amazon हैज द बेस्ट डील्स फॉर यू ऑल। तो फर्स्ट जैकेट मेरा ये था। अब मैं इसको ढोने के लिए डालने वाली हूँ, मैंने सोचा हॉल कर लेती हूँ, इस साल का लास्ट हॉल। अब हम नेक्स्ट ईयर मिलेंगे नेक्स्ट हॉल्स के साथ, बट शॉर्ट्स तो आती रहेंगी। द सेकेंड जैकेट इज अगेन समथिंग आई लव, आई थिंक 1200 या 1300 का मैंने लिया था। दिस इज दिस रेड जैकेट, और ये लंबी भी है काफ़ी एंड बहुत प्रिटी है। इसको पार्का जैकेट बोलते हैं, जो इस तरीके के जैकेट्स होते हैं ना, इसको पार्का बोलते हैं। इसके साथ भी हुडी है, और इसका भी हुडी डिटैचेबल है, तो आप डिटैच भी कर सकते हो। एंड गाइस, ठंडी हल्की हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, पूरे हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा हर सीजन, हर उसमें, मतलब अगर आप पहाड़ों की छुट्टियों पर भी जा रहे हो ना, दैट यू आर गोइंग टू सम हिल स्टेशन फॉर सम छुट्टी एंड वेकेशन, आप इसको पिक कर लो भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो दिस इज़ द जैकेट गाइज। मेरे को रेड कलर तो हमेशा से बहुत पसंद है, मेरे पास फोर्ट कॉलिंस का एक जैकेट पहले भी हुआ करता था, बट मैं मोटी हो गई, वन साइज का था, मैं XL हो चुकी हूँ ऑब्वियसली, तब उसके बाद शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो वेट बढ़ गया, बट XL है, बहुत ही ज्यादा अच्छा जैकेट है। ये मेरा हाइट है 5'6", तो मैं लंबी हूँ उस हिसाब से, फिर भी ये मेरे यहां तक आता है, इफ यू गाइस कैन सी। एंड इसका ये है कि इसमें यहाँ पे चेन है, तो जैसे आपने इसकी चेन लगा दी, ठीक है, आपने जैसे इसकी चेन लगा दी,
फिर इसमें डबल एक प्रोटेक्शन है, मतलब थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इसमें ये फ्लैप है, तो आपने इसको ऐसे क्लोज कर दिया तो चेन नजर भी नहीं आएगी। और इसके पॉकेट्स भी इतने प्यारे हैं, लाइक इतने सुंदर है, इसमें लिखा हुआ है बियॉन्ड थिंकिंग समथिंग लाइक दैट, व्हाइट कलर की लाइनिंग दी हुई है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्यारा जैकेट है। इसको भी मैं इन एंड आउट डेली यूज कर रही हूँ लिटरली, क्योंकि इसमें भी आपको निशान दिख जाएंगे, खाती पीती रहती हूँ, पहन के तो गिर ही जाता है, कुछ ना कुछ धो दूंगी, ये इजीली इसके निशान भी निकल जाते हैं क्योंकि वो पैराशूट टाइप का मटेरियल है। इसके भी हाथ में सेम वो इलास्टिक है जिससे यू नो हवा बिल्कुल भी अंदर ना जाए। इसको लिटरली ऐसे मैं दो तीन स्वेटर भी पहनूँ ना मुझे ठंड लगना बंद नहीं होती, पर अगर मैं इसको पहन लूँ, टोपी लगा लूँ, ये एकदम यहाँ तक क्लोज हो जाती है तो मेरा बिल्कुल गला भी प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स अमेजिंग। यही सेम मैंने किसी दूसरी वेबसाइट पर भी देखा था, वहाँ आई थिंक ये 2000 का था एंड अमेजोन पर 1200 से 1300 के बीच में रेंज कर रहा था। इसमें 3-4 कलर्स भी अवेलेबल है, तो मैं लिंक कर दूंगी सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेकआउट करिएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड पीस विच इज अ हुडी। तो बेसिकली ये हुडी मैंने ये सोच के मंगाया कि मैं भी पहनूंगी, राज भी पहनूंगी, पहनेंगे, एंड दिस इज फ्रॉम द मेंस सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज सो प्रिटी, लाइक मेरे को बड़ा मन था रेड कलर की हुडी लेने का जिसमें ऐसा कुछ यू नो रेड इसमें कुछ लिखा हो। तो ये जो है इसका मटेरियल बहुत मोटा नहीं है, तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, इट्स द बेस्ट फॉर यू। जैसे कि बहुत सारी जगह है, जैसे झारखंड है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वहाँ इतनी ठंड नहीं है जितना दिल्ली में होता है, तो वहाँ की ठंडी के लिए दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट, वहाँ की ठंडी के लिए दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट हुडी। तो ये मैंने अंदर 1000 रुपीज पिक किया था, सब कुछ लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड अगेन दिस इज सो प्रिटी, सो नाइस। अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो आप इसको पहन सकते हो, 12000 ऊपर से जैकेट डाल सकते हो, इट विल लुक स्टाइलिश, एक टी शर्ट की तरह भी दिखेगा। एंड ये फ्लीस का मटेरियल है, तो इसके भी हाथ में ऐसे है और अंदर थोड़ा सा फ्लीस टाइप का मटेरियल है। फॉरवर्ड टू स्टाइल दिस वेरी वेरी सून विद जीन्स, ऐसे पहन के बाहर जा सकती हूँ और अच्छा लगेगा काफ़ी। मेरे को ये पीस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब मूव ऑन करते हैं एक बहुत ही हेल्पफुल पीस की तरफ, जो कि भाई सबके पास विंटर्स में होनी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको फैशन करना है, आपको स्टाइल करना है, तो आप ले सकते हो इस तरीके का कोई स्टॉकिंग्स। जनरली हम उतना पहनते नहीं है इसको, मतलब मैं तो नहीं पहनती, बट मैंने अभी इस बार पिक किया है बिकॉज मैंने सोचा कि स्कर्ट पहनूंगी। मैंने नी हाई बूट्स लिए हैं, जो नी हाई बूट्स मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो उसके साथ अगर मैं स्टॉकिंग पहन लूंगी तो मेरा पैर थोड़ा ठंडा मुझे कम लगेगा। मैंने अंदर एक फ्लीस लेगिंग भी ली है स्किन कलर की, उसके ऊपर से मैं इसको पहनूंगी। वो फ्लीस लेगिंग अभी मुझे मिल नहीं रही है, बट आई लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये एक स्टॉकिंग है जो उसके ऊपर से पहनूंगी, तो मेरे पैर प्रोटेक्टेड रहेंगे, मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो मैं स्कर्ट छोटी सी पहन सकती हूँ। तो अगर आपके पास एक ऐसा स्टॉकिंग हो तो आपके लिए फैशन, अगर आप थोड़ा सा चाह रहे हो स्कर्ट वगैरह पहनना या ड्रेस पहनना बट विंटर्स में पहन नहीं पा रहे हो ठंड की वजह से, तो फ्लीस लेगिंग पहनो अंदर एंड देन उसके ऊपर से इसको पहन लो, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट अप यू गाइज, मैंने लिया है ये स्लिपर्स नाइकी ब्रांड का। तो ये सेम स्लिपर्स राज ने कुछ टाइम पहले मेरे पापा को गिफ्ट किया था एंड देन आई लाइक्ड इट सो मच कि मैंने अमेजोन पे देखा, और अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक ऐसे तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बट अमेजोन पे काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहा था, आई थिंक मुझे 1000 के आसपास मिला है। एंड जनरली आपको इस तरह के स्लिपर्स बहुत महंगे मिलते हैं, नाइकी एडिडास के 2000-3000, 4000 के भी होते हैं, बट अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल स्लिपर्स चाहिए, क्योंकि मेरे पैर के नीचे का तलवा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, एंड इस बार जो मेरा पेडिक्योर मैं करवा रही थी तो मेरे को दीदी ने बोला, दीदी क्या मजदूरी करने जाते हो, पैर कैसे रखे हैं आपके इतने, मतलब इतना हार्ड, थोड़ी भी केयर नहीं करते अपने पैरों की। तो मेरी मम्मी ने बोला यू शुड गेट अ नाइस पेयर ऑफ स्लिपर्स विच इज कंफर्टेबल एंड योर फीट इज कंफर्टेबल इन दैट, तो मैंने ये वाला पिक किया। नो मैटर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप एक अफोर्डेबल स्लिपर पिक करना चाहते हो तो ये भी पिक कर सकते हो। ये भी मैंने अमेजोन से पिक किया, ये ब्लैक कलर का है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है और ये कुछ 300 समथिंग का था। इसका काफ़ी सारा डिज़ाइन भी आता है और इसमें थोड़ा सा हील्स भी है, ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसको काफ़ी दिनों से रेगुलरली टेस्ट आउट कर रही हूँ आप लोग को रिव्यू देने से पहले, एंड मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड अभी मेरा गला ख़राब है, इन्हों मेरी आवाज़ एकदम ही डिफरेंट लग रही है बिकॉज पिछले 9 दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा गले में इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस है, वो नोज में चला गया, साइनस हो गया, कोल्ड हो गया, कोल्ड की वजह से आवाज़ ऐसी आ रही है, और वही वायरस मेरी आईज में चला गया, तो मुझे कंजंक्टिवाइटिस भी हो गया था, दो वो रेड आईज वाला कंजंक्टिवाइटिस नहीं हुआ था बट वायरल कंजंक्टिवाइटिस, पिंक पिंक हो गई थी मेरी आईज, तो उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस हॉल बिफोर दिस ईयर एंड्स, तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है आप लोगों के लिए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ विच इज द स्टार ऑफ द शो एंड दैट इज द लास्ट प्रोडक्ट फॉर द डे। वीडियो का स्टार यहाँ पे आ चुका है ट्रफल कलेक्शन का। ये बूट्स इतने बड़े तो डिब्बे में आया, मुझे लगा पता नहीं किसकी शादी का इन्विटेशन है इतने बड़े डब्बे में।
हम इसको खोलते हैं। ये मुझे कुछ 3600 रुपीज का पड़ा था। जब भी आप अच्छे बूट्स लेने जाओगे ना, स्टाइलिश बूट्स, कंफर्टेबल बूट्स, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। जनरली मैंने जहाँ तक देखा है, अच्छे वाले जो बूट्स है, जो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े से अच्छे मतलब क्वालिटी के लगते हैं, वो 1500-2000 से स्टार्ट होते हैं। तो ये मैंने लिया है क्योंकि ये एक नी लेंथ बूट्स है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। किसी को तो थाई तक भी आ जाएगा। मेरी हाइट कम, मेरी हाइट के हिसाब से मेरे को नीज तक आता है। दिस इज द बूट्स गाइज। अभी अंधेरे में, अंधेरा बोल रही हूँ, सॉरी, ब्लैक में ब्लैक रखा है इसलिए दिख नहीं रहा है, बट काफ़ी अच्छे से पैकेज्ड होके आया था, बहुत ही क्लासी वे में। दिस इज द बूट। एक तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसके बारे में सबसे अच्छी लगती है, लेट मी शो इट यू लाइक दिस, कि ये पॉइंटेड है, ठीक है ना। तो पॉइंटेड वाला जो वो होता है ना, मुझे काफ़ी पसंद है। इसका हील भी बहुत कंफर्टेबल है। वैसे तो हील काफ़ी है, मैं ऑलमोस्ट 6 फुट की हो जाऊँगी इसको पहन के, बट मेरे को लग रहा है आराम से 4 इंचेस का तो हील है, 6 नहीं 5 10 हो जाऊँगी। एंड ये काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे कि मैंने ये जो है ना, ये वाला स्टाइल इसीलिए लिया कि पीछे से खुले, थोड़ा लूज हो सके, क्योंकि मेरी थाइस और मेरे पैर इतने पतले नहीं है। तो बहुत सारे बूट्स होते हैं जिसमें एकदम प्लेन होता है, कोई क्लोज होता है, कोई ऐसे एडजस्टेबल नहीं होता, तो जिनके पतले पैर उनके लिए तो ठीक है, बट मुझे लगा मेरे पैर पतले तो नहीं है, उससे तो मोटे हैं काफ़ी। तो उस हिसाब से मैंने इसलिए फिर ये लेस वाला लिया कि भाई मैं अपने पैर के साइज़ के हिसाब से इसको इलास्टिक को लूज़ कर सकती हूँ इसको। एंड मैं पहनना हुआ फोटो डाल दूँगी, मैंने पहना था इसको। एंड देन यहाँ पे हील्स, ये लो, यहाँ पे चेन भी खुलती है। अब मैंने इसको अपने साइज़ के हिसाब से एक बार फिट कर दिया, ऐसा नहीं अब हर बार आप सारी लेस खोलो, सारी लगाओ, एक बार उसको लूज़ कर लो, देन बस पैर डालो इस चेन को खोल के, चेन को बंद कर लो, एंड दैट्स इट। बहुत हाई क्वालिटी अमेजिंग बूट्स है, ट्रैवल कलेक्शन के बूट्स, बहुत सारे रेंजेस में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट, आप चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, बट मुझे तो ये बूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसको मैं पहनने वाली हूँ, मैं पहन कर बाहर नहीं गई हूँ, मैंने ट्राई करके पूरे घर में देख लिया है कि कम्फर्टेबल है कि नहीं। इसको मैं पहनने वाली हूँ, अभी मैं 100 के होंगे ना, या हो गए होंगे, आई डोंट नो अभी तक, तो आप देखिए, आप पता नहीं जब ये वीडियो जाएगा तो, या आज ही हो जाएंगे आई गेस। आई थिंक ये वीडियो 30 को लाइव जाएगी, 30-31 देखते हैं, तो 100 के हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो सब मिलके पार्टी करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो ज़रूर चेकआउट करना। एंड दिस इज द पेयर ऑफ हील्स दैट आई गॉट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड ट्राई देम। सो दोज वर ऑल द थिंग्स आई गॉट फ्रॉम अमेजॉन दिस टाइम फॉर माई विंटर शॉपिंग, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस हॉल। इफ यू लाइक द एफर्ट्स द हॉल, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियोज तो मेरे 2023 में गाइज, व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर नाउ, मैं आप चाहती हूँ आप भी मुझे सजेस्ट करो नीचे, बिकॉज आप लोग हमारी फैमिली हो, हम सब साथ में मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फॉर 2023 मतलब मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह नहीं करूँगी, उन वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, कोई फायदा नहीं होता है ना, तो स्किन केयर वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, हॉल वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, क्योंकि स्किन केयर मेरी जान है, आप लोगों को भी बहुत पसंद है मेरे स्किन केयर वीडियोज़, तो स्किन केयर वीडियोज़ आती रहेंगी, हॉल वीडियोज़ आती रहेंगी, व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा फन फन चैलेंज वाले वीडियोज़ करेंगे, क्योंकि अब वो मेरे चैनल के लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है शॉर्ट्स में। तो देखते हैं 2023 में क्या होगा, पॉडकास्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत फन आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, नहीं तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।